नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान की कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो कि लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, क्योंकि जनरल साइंस लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है और एक या दो या तीन के लगभग करीब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न मैं लेके आया हूँ उनको। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, उसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? तो वो होता है 21%। 56% तो कुछ का होता नहीं है। 29% किसका होता है? तो ये भी नहीं होता किसी गैस का। तो कुल मिला के 78% है जो वो किसका होता है, वो अपने नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो 78% होता है। ठीक है, उसके बाद वायु क्या है? वायु क्या है? वायु तत्व है, मिश्रण है, या यौगिक है, या फिर सभी है? तो वायु में केवल एक ही तत्व नहीं पाया जाता, वायु कई प्रकार के तत्वों का मिश्रण होता है, इसलिए वायु क्या है? मिश्रण है। तो इसका यौगिक आंसर नहीं होगा, तो सभी हो ही नहीं सकता, तो जो है मिश्रण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब जो होता है जनरली घरों में यूज होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, या सभी? तो इसमें आंसर क्या आएगा सोचिए और फिर बताइए। आर्गन इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? आर्गन। उसके बाद आता है प्रश्न 5, जल का बाष्प में बदलना निम्न परिवर्तन कहलाता है। जल का बाष्प में बदलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? जैविक, भौतिक, रासायनिक? तो जल का बाष्प में बदल रहा है, तो जल की भौतिक अवस्था चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उसका पृथ्वी की सतह के निकट वायु की सतह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के निकट सबसे जो निकट वाली परत है या सतह है उसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे पास में पाई जाने वाली परत होती है। उसके बाद आता है वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत पाई जाती है? अभी हमने पहले प्रश्न में ही देखा था कि ऑक्सीजन कितनी मात्रा होती है, तो 21% जो है ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21%। ठीक है, उसके बाद ईस्ट की कोशिका भित्ति बनी होती है। ईस्ट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन तथा मेनन की, पैक्टोज की, सेलुलोज की, पैक्टिन की? तो ईस्ट की कोशिका भित्ति काइटिन तथा मेनन की बनी होती है। ठीक है, तो ईस्ट की जो कोशिका होती है वो काइटिन तथा मेनन की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक नहीं है? कवक नहीं है तो म्यूकर, सॉर्गसम, मोरकेला, या एगरिकस? कौन सा एक कवक नहीं है? तो म्यूकर, मोरकेला और एगरिकस ये सब कवक की प्रजातियां हैं, लेकिन सॉर्गसम है जो कवक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन कोशिका भित्ति रहित होता है? तो ईस्ट, नीली हरित शैवाल, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा? तो ईस्ट में कोशिका भित्ति होती है, नीली हरी शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ईस्ट में भी पाई जाती है, जीवाणु में भी तो पाई जाती है, बैक्टीरिया में तो पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो ऐसा जीव है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना। ठीक है,